could see yourself, just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Hello friends, welcome back to the channel. और अभी आज जो अपडेटेड किचन टूर है वो शेयर करूंगी. दिवाली में मैंने बहुत कुछ चेंजेस किया है, बहुत कुछ मतलब जस्ट सामान यहाँ से वहाँ इस तरह से शिफ्ट किया है और कुछ कलर चेंजेस भी किया है. तो कैसा लगेगा बताना जरूर. अगर अच्छा लग रहा है किसी भी कारण से वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है लाइक जरूर करना. और मेरी चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसके पहले भी काफी सारे किचन डेकोर वीडियोस है, उसका लिंक नीचे रहेगा, जरूर चेक करना, तभी आपको डिफरेंस जो है वो पता चलेगा. ये मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया, वहाँ का सामान यहाँ पे किया है, कुछ चीजें नया ऐड किया है. और जो भी चीजें है मैंने बहुत दिनों का कलेक्शन करके रखा था, मतलब 6-7 महीना का कलेक्शन था. अभी दिवाली में मैंने एक साथ नहीं खरीदा है, तो जितना हो सके मैं सारे प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी. और कुछ चीजें मैंने रीपेंट किया है. और जो भी सामान आप जहाँ पे भी देख रहे हो वो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने रखा है. हर किसी का किचन होता है ना, हर किसी का सामान रखने की जगह अलग होता है, जब खाना बनाने के टाइम इजीली मिल जाए, मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने रखा है. और ये मेरा किचन का एंट्रेंस, यहाँ पे डोर नहीं है, ये फ्रिज भी यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एक बर्ड केज टाइप का है. फ्रिज में तो मैक्सिमम पुराने सामान ही है, फ्रिज में सिर्फ नया ऐड हुआ है इस टाइप का एक फ्रिज मैग्नेट. हमारे देश का सारे जो एनिमल या बर्ड है या फ्लावर है वही है फ्रिज मैग्नेट, हमारे एक कलेक्शन टाइप का ही होता है. मेरा फ्रिज कितने लीटर का है, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर वीडियो है, जरूर चेक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आपको देख के थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा. उसके साइड में यहाँ पे ये जगह पे पहले मेरा माइक्रोवेव था, अभी मैंने इसको चेंज कर चुकी हूँ. यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये पुराने छोटा सा एक कैबिनेट टाइप का है, इसका नॉब मैंने पेंट नहीं किया, बाकी जो भी मैंने पेंट किया, कौन सा पेंट किया वो वीडियो थोड़ा सा आप क्लिपिंग जरूर चेक करना कैसा था. ये बहुत पुराना एक चीज है. और ये इस टाइप का छोटा जैसा कैबिनेट होता है, यहाँ पे कुछ कप जो डेली यूज होता है इस टाइप का, या सोफ, इसको मैंने ऐसे सो के लिए रखा है, ये सॉल्ट एंड पेपर है. और इस टाइप का चीजें रखा है यहाँ पे, क्रॉकरी टाइप का, ये क्रॉकरी यूनिट टाइप का ही है. और यहाँ पे एक आउल की कलेक्शन है जिसके ऊपर एक आर्टिफिशियल फ्लावर. और ये रैक भी मेरा पुराना है, ये क्रॉफर्ड मार्केट से खरीदा था. और यहाँ पे एक मेरी डॉटर का मिल्क का मग, सॉल्ट एंड पेपर, यहाँ पे एक चॉक बोर्ड, और यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट, और यहाँ पे मसाला दानी. मेरे पास दो मसाला दानी है. यहाँ पे ये दिख रहा है, ये भी मैंने रीपेंट किया है. ये स्टूल है बैठने का, पानी का जग है वो रखा है, टोस्टर, रोटी बेलने का चक्की और मसाला दानी, क्योंकि मुझे ये सामने ही चाहिए होता है. इस तरह से नीचे आ गया ये, लेकिन ब्लैक कलर का था, इसको पेंट किया है. यहाँ पे एक सेल्फ के ऊपर कुछ चीजें जो डेली यूज होता है, जैसा नाइफ का सेट, कंटेनर के अंदर मैंने स्पून रखा है, और मेरी डॉटर का मिल्क का कप है. ये दो जार दिख रहे हैं, उसमें मिर्ची और तेज पत्ता रहता है, इसमें मैं कोकोनट ऑयल रखती हूँ. और यहाँ पे सामने मेरा सारे जो डेली बेसिस पे यूज होता है उस टाइप का सामान है, जैसा ये तेल की जो कंटेनर है ये भी रखा है. ये मैक्सिमम चीजों का लिंक मिलेगा. ये एक स्नेक प्लांट है, ये रियल प्लांट है, तो मैंने इस तरह से एक कप के ऊपर रखा है, तो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है. तेल की जो कंटेनर है उसके नीचे इस टाइप का कुछ भी ट्रे टाइप का जरूर देना, नहीं तो तेल ड्रिप होता रहता है. यहाँ पे मसाला कूटने वाला एक छोटा सा सकुलन, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि मैक्सिमम मैं किचन पे आर्टिफिशियल प्लांट रखती हूँ तो वॉश करने में इजी होता है. यहाँ पे एक जार है, और जो चॉपिंग बोर्ड है, और हाँ यहाँ पे मेजरिंग, क्योंकि ये मेरा मेडिसिन के लिए डेली बेसिस पे चाहिए होता है. और ये जगह पोर्शन मैंने कैसे कहते रिनोवेट किया है, रिनोवेट किया है, नया कुछ भी नहीं किया है. जो सेल्फ था वो कॉर्नर पे जहाँ पे येलो सेल्फ आप देख रहे हैं, ये दोनों सेल्फ, येलो सेल्फ और ये जो व्हाइट सेल्फ, ये मैंने अर्बन लैडर से लिया था, लेकिन रिसेंटली नहीं है. ये टी कॉफी शुगर का जो नया कलेक्शन आप देख रहे हो, ये मेरे लास्ट ईयर का कलेक्शन है, काफी पहले से ही है. दिवाली या दिवाली से आसपास काफी सारे गिफ्ट मिलता है तो वो मैं रख देती हूँ. ये दो तो आपने बहुत पहले देखा है, रामू का कर गुलाबो, ये चुंबक से लिया था बहुत पहले. लुइस ग्रे टाइप का कंटेनर है, उसमें मिल्क पाउडर इस टाइप का चीजें रहता है, और ऊपर में भी कुछ स्नैक्स और दाल टाइप का चीजें रहता है. यहाँ पे जो भी कलर आप देख रहे हो मैंने बहुत लाइटर कलर, सटल कलर यूज किया है, कूल कलर यूज किया, क्योंकि उसका मेन रीजन है मेरा जो ये कबर्ड मैंने बनवाया था ये येलो. मुझे व्हाइट कबर्ड बहुत पसंद है, या किचन का आइटम मुझे व्हाइट ज्यादा पसंद है, लेकिन
मेरा कोई भी चिमनी नहीं है, तो लेकिन मैं डेली बेसिस पे कैसे करके क्लीन रखती हूँ वो भी जरूर शेयर करूंगी। लेकिन मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगी, अगर आप किचन पे अगर आपका चिमनी नहीं है, कबर्ड अगर बना रहे हो, तो जो साइनी वाला सनमाइका होता है वो जरूर यूज करना, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। नीचे कैबिनेट है, ये नीचे का जो भी ड्रायर है, जैसा मैंने यहाँ पे मेरी स्टील का जो भी बर्तन होता है वो रखा है, तो प्रॉपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर चेक करना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर मिलेगा। ये जो दिख रहा है ये वन ऑफ माय फेवरेट ड्रीम था, तो जो मैंने पूरा किया, एक ओल्ड फर्नीचर है ये, नया कुछ भी नहीं है, जो कारपेंटर होते वो इजीली बना देगा इस टाइप की चीजें। ये मैंने उसी बड़ा जो ओल्ड फर्नीचर मार्केट है वहां से खरीदा है, वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, जरूर चेक करना, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फर्नीचर, कबर्ड या अलमीरा वो सारे वहाँ पे मिलता है, सिर्फ मैंने उसको रीप्रिंट किया। ये जो मसालादानी है और ये यहाँ पे और एक मसालादानी है, वो लिंक दिया रहेगा, लेकिन ये मैंने वो तो ऑनलाइन पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये मैं मुंबई के एक बर्तन मार्केट है वहाँ से खरीदा था, किचन काउंटर टॉप के जस्ट ऑपोजिट में मैंने कैबिनेट रखा है। ये जो कैबिनेट है ये मैंने अर्बन लैडर से लिया था, मैंने माइक्रोवेव को यहाँ पे प्लेस किया है, इस तरह से यहाँ पे डेली बेसिस पे जो यूज होने वाले सामान, जैसे ऊपर खाने वाले सामान है, स्नैक्स या पोहा इस टाइप का चीजें, में जो ब्रेकफास्ट के सामान है वो ऊपर है। और ये जगह मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा कंपनी प्रोवाइडेड फ्लैट है, फिर मैंने उसको पेंट कर दिया थोड़ा बहुत, फ्लावर है यहाँ पे उसके ऊपर मैंने फेरी लाइट रख दिया। चॉकबोर्ड किचन पे जरूर रखना, आपकी मनपसंद कुछ भी लिख सकते हो या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये ड्रॉ करना मुझे बेहद पसंद है क्योंकि इसको देख के फेस पे कुछ स्माइल जैसा आता है। और ये जगह सिर्फ थोड़ा चेंजेस किया है, हाँ आपने देखा होगा ये जो था ना ये डार्क ब्राउन मटेरियल में था, तो इसको मैंने जस्ट पेंट कर दिया। तो पेंट के लिए आपको मेरा DIY ये प्रीवियस वीडियोस चेक करना पड़ेगा, कौन सा पेंट यूज करती हूँ डिटेल्स है। ये माउथ फ्रेशनर है, मैं चॉक रखती हूँ इसमें, इसमें दो चॉक। मैं ये केटल मेरा सबसे फेवरेट किचन आइटम में से एक है क्योंकि ये डेली यूज होता है गर्म पानी करने के लिए, और इस टाइप का छोटा मोटा, और यहाँ पे स्वीटी का चॉकलेट है। और ये जो फ्लावर वैसे मैंने एग्जीबिशन से खरीदा था, फ्लावर मैंने शॉपर स्टॉप से खरीदा है, ये फ्लावर मुझे बहुत अच्छा लगा। माइक्रोवेव के ऊपर इस टाइप का एक प्लेसमैट दिया है, लेकिन जब कन्वेक्शन मोड यूज होता है तब मैं ये प्लेसमैट जो है वो हटा देती हूँ क्योंकि वो गर्म होता है। माइक्रोवेव मैं डेली बेसिस पे उतना यूज नहीं करती हूँ। ये फ्रूट बास्केट है और ये मेरा मिक्सी, लेकिन ये मैं किसी को भी अभी रिकमेंड नहीं करूंगी, डेली मॉर्निंग में यूज होने वाली चीज है, जैसे काजू, एलमंड्स और इसमें रेजिन किशमिश। ये जो दो डब्बी है ये चाय का, ब्लैक टी का, सुबह में ब्लैक टी के लिए चाहिए होता है। तो जो भी कप दिख रहा है, मैक्सिमम मेरा कप कलेक्शन वीडियो रिसेंटली मैंने किया है उसमें है, लेकिन वो ग्लास मैंने दिवाली पे खरीदा है प्योर लिविंग से, ये मैंने 4 ग्लास खरीदा है। एक इस टाइप का ट्रे या जो भी ट्रे आपके घर पे है उसके ऊपर सामान रखेंगे तो दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और ये जो रनर है ये होम सेंटर से खरीदा था। और ये जो माइक्रोवेव है साइड में थोड़ा सा मैंने गैप रखा है क्योंकि यहाँ पे मेरा जो डेली रेसिपी यूज होने वाली ट्रे इस तरह से रखती हूँ क्योंकि निकालने में भी इजी होता है, इस तरह से निकाला, पीछे और 3 ट्रे है। हाँ मेरे घर पे बहुत सारे सामान है, ये कमर्स मेरे डेकोर वीडियो में आता ही रहता है, लेकिन जो भी सामान है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और मुझे खाली खाली घर इतना भी पसंद नहीं है। मिनिमलिस्टिक होम बहुत सारे लोग को पसंद आता होगा लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आता है पर्सनली, ये मुझे छोटे छोटे सामान जो मेरा घर के, मेरा एक सामान के साथ मेरे एक इमोशन जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये मैंने बहुत ढूंढ के खरीदा था क्योंकि मुझे ये बर्ड बहुत पसंद है। ये हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था बर्थडे पे, बहुत पुराना भी है ये, एक्चुअली एक स्ट्रेनर है, तो मैंने इसको फ्रूट बास्केट बनाया। ये सेल्फ तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये जो सेल्फ का सामान है ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने रिसेंटली परचेस किया है। और ज्यादा सामान हो भी तो भी आप ऐसे करके प्लेस करो ताकि लगे हाँ घर सुंदर है। कलर कॉम्बिनेशन भी आपको चूज करना है, मैंने ज्यादातर आप ये जगह पे देख लो लाइट कलर यूज किया है, थोड़ा बहुत पॉपअप करने के लिए मैंने यहाँ पे जो कलर वाले फ्लावर है बहुत बहुत वाइब्रेंट है। ये यहाँ पे क्या रखती हूँ, सारे ड्रॉयर या सारे कैबिनेट का ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर एक वीडियो है। और ये जो फेरी लाइट है ना ये वाटरप्रूफ है, हाथ देने से भी कुछ नहीं होता क्योंकि कुछ कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं बच्चे घर पे लाइट लगा सकते हैं, एनी जगह पे लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता, ये LED लाइट है, घर पे जरूर फेरी लाइट लगाना। डिफरेंट डिफरेंट फेरी लाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, स्पेशली एक स्टार वाला है
वो मेरा रिसेंट फेवरेट है, जरूर चेक करना। और ये कबर्ड के साइड में मेरा एक्वा गार्ड, यहाँ पे एक सेल्फ है, ये सेल्फ में सारे जो कप डिशेस है वहाँ पे एक, ये एक छोटा सा कुकडोडल हुआ है। और वॉश बेसिन मेरा सिंपल सा वॉश बेसिन है क्योंकि कंपनी प्रोवाइडेड फ्लैट है, कोशिश करती जितना साफ रखूं। और यहाँ पे एक ट्रे के ऊपर डिश वॉशर, एयर हैंड वॉश और एक फ्लावर, और एक कप में मैंने जो भी ब्रश होता है वो इस तरह से रखा है। ये जगह आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्लास चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पे मैंने प्लांट रखा है, ये जो पिटूनिया प्लांट है ये, लेकिन आर्टिफिशियल है, ये दोनों रियल प्लांट है। विंडो इस तरह से है विंडो का, लेकिन मैं एक चीज चेंज करूंगी, वो कमिंग वीडियोस में आएगा। और अभी किचन पे मैं इस टाइप का स्ट्रिप एलईडी लाइट होता है, इस टाइप का एक एक मीटर में मिलता है, आपको जितना मीटर चाहिए। और उसके साथ मैं अभी ये टू ए टेप होता है इसको लगाऊंगी, और ये जो लाइट है ये कहाँ लगाऊंगी आप सबको दिखाती हूँ। और टू ए टेप का जो ये स्टिकर टाइप का रहता है ये हटाना है, और ये स्टिकर है एकदम, और इसको एकदम कैबिनेट के पीछे चिपकाऊंगी ताकि जो लाइट का एक इफेक्ट रहता है, मॉडर्न हाउस में तो रहता ही है लेकिन आप अपने ओल्ड घर पे भी कर सकते हैं या आपका ओल्ड फर्नीचर पे भी सेम कर सकते हैं। और ये स्टिकर हटा के जस्ट आपको कैबिनेट के कहाँ पे स्टिक करना है, मैं ऊपर की तरह स्टिक कर रही हूँ ताकि नीचे का जो लाइट है उसका इफेक्ट आएगा। जो लाइट लगाया वो देखो अभी इस तरह से कि आप इजीली साफ भी कर सकते हो क्योंकि ये प्लास्टिक टाइप का है। मेरी सारे डेकोर वीडियोस जरूर चेक करना, पुराने या नए आने वाले जो है, आपको छोटा मोटा आइडियाज मिल जाएगा। जैसा मेरा डीआईवाई रिसेंट एक डीआईवाई वीडियो गया है, घर के सामान से मैं मैक्सिमम डीआईवाई करती हूँ और वो भी इजीली क्विक, क्योंकि अभी किसी के पास उतना टाइम नहीं है। मेरी किचन का कौन सा एरिया आपको अच्छा लगा बताना जरूर, और अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। एमएथी स्पेशल फैमिली का हिस्सा आपको जरूर बनना है, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना अगर वीडियो अच्छा लगा। और अभी मिलेंगे कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I wish you could see yourself just sitting there on my chair, I'm staring at you, you don't even notice, should've told you straight away, you don't have to be afraid.